सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग बताने वाली हूँ और कुछ ज़रूरी टिप्स भी दूंगी जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा कपड़ा है जिसको मैंने बैक और फ्रंट अलग अलग कर दिया है, दोनों एक साथ जॉइंट थे तो मैंने इनको अलग अलग कर दिया है। और मैं अब इनको निशान भी इसी तरीके से लगाने वाली हूँ, फ्रंट का अलग और बैक का अलग। तो पहले मैं फ्रंट कुर्ती अपनी देख पकड़ूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट साइड का सीधा भाग है मेरी कुर्ती का, सीधा तरफ है, और ये मेरा नेक है, इसमें मेरा नेक बनेगा। सिंपल नेक ही बनाऊंगी मैं इसमें। अब मैं इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर दूंगी और नेक का हमें सेंटर देखना है, नेक जो है बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। तो इसको आपको इस तरीके से डिज़ाइन मिलाना पड़ेगा और इसको इक्वल करना पड़ेगा पूरा अच्छे से। फ्रेंड्स, ये मैंने डबल फोल्ड में रख दिया है। अब मैं आपको अपना मेजरमेंट बता देती हूँ, जो मेरा मेजरमेंट है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा शोल्डर है वो है 15 इंच, लेंथ हमारी 43 इंच है, ब्रेस्ट है 40 इंच, जिसमें हम 2+ करेंगे तो 42 हो जाएगा। अब 42 का हमें चौथा भाग लेना है जो कि 10.5 है। वेस्ट है हमारा 36, जिसमें हम 2+ करेंगे तो 38 हो जाएगा, और उसका भी हम चौथा भाग लेंगे वो है 9.5 हो जाएगा। हिप है हमारा 46, जिसमें 2+ करेंगे तो 48 हो जाएगा, और जिसका भी हमें चौथा भाग लेना है जो कि 12 होगा। तो स्लीव लेंथ हमारी 18 है और स्लीव बॉटम हमारा 9 है। नेक हमारा पीछे का जो है वो 8.5 का बनेगा और जो फ्रंट नेक है वो 8 इंच का बनेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो कि हमारा बैक नेक है उसका फर्क पड़ता है। बैक नेक अगर आपका बड़ा है, डीप है थोड़ा, तो आप शोल्डर को थोड़ा कम कर लीजिए। तो ये जो हमारा 15 इंच का शोल्डर है, ये मैं 14 इंच का लूंगी, तो आधे में 14 का हो जाएगा 7, तो मैं ये 7 इंच का लूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम लेंथ अपनी लेंगे। तो हमारी लेंथ 43 यहाँ पे आ रही है, ये हो जाएगा फोल्डिंग का इतना। अब हम अपना शोल्डर लेंगे जो कि 15 इंच था, क्योंकि नेक डीप है पीछे का, तो मैं इधर 7 इंच लूंगी। अब मतलब 14 इंच का आधा होगा 7 इंच। मेरे स्टैंडर्ड साइड जो, तो ये 7 ही लेती हूँ मैं कुर्ती पे हमेशा, तो ये 7 इंच। और जो हमारी ब्रेस्ट है वो हमने 42 का चौथा हिस्सा किया था जो कि 10.5 था, तो यहाँ से हम 10.5 लेंगे। इसको हम जॉइन मिला लेते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ से जो हम अपना वेस्ट लेते हैं वो 14 या 15, शोल्डर से 14 या 15 लेते हैं, मैं यहाँ पे लूँगी 14.5 इंच। इसको भी सीधा कर लेंगे। और शोल्डर से हिप लेंगे हम, 21 या 22 होता है, तो मैं 22 इंच लूँगी। ये नॉर्मल इतना ही होता है फ्रेंड्स। शोल्डर से कमर 15 या 14 होता है और शोल्डर से हिप 21 या 22 होता है, इस तरीके से होता है। तो मैं ये 22 पे अपना हिप लूँगी। इसको भी सीधा मार्क करेंगे। फ्रेंड्स, मैं मार्क डार्क कर रही हूँ क्योंकि एक बार मेरे को पूछा गया था कि मार्क ठीक से नहीं दिखाई देते, इसलिए मैं डार्क कर रही हूँ मार्क्स को। फ्रेंड्स, एक होता है प्लेट का माप, जो कि हम शोल्डर से जो अपना ब्रेस्ट पॉइंट होता है वहाँ तक लेते हैं, वो यहाँ पे आता है, इसके बीच में आता है। तो हम लेंगे जो 10 इंच है वो 10.5 इंच पे ये ब्रेस्ट, डाउन ब्रेस्ट का मार्क लगाएंगे। इसको भी सीधा कर लेंगे। और ये वाला मार्क और ये हमारे बराबर होते हैं, तो इसको 10.5 लिया है तो इसको भी 10.5 लेंगे। और जो हमारा वेस्ट था वो है 9.5 इंच, और जो हमारा हिप था वो है 12 इंच। फ्रेंड्स, इसका जो घेरा है, मैं वैसे तो अगर सीधा स्ट्रेट आप सूट पहनते हो तो, मैंने अगर हिप का 12 लगाया है तो नीचे घेरे में भी 12 लगाते हैं, बट मैं इसका 13 इंच ले रही हूँ, 12 से 1 इंच ज़्यादा। तो ये हो गया मेरा घेरा। फ्रेंड्स, अब इन सब जॉइंट्स को मिला लेंगे हम। ये सेव फुट्टी है, आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगी फ्रेंड्स। अब इसको इस तरीके से मिलाएंगे, इसको सीधा मिलाना है हमें, और ये कमर का निशान है, इसको इस तरीके से
हिप का निशान को, और अब अपना घेरा मिलाएंगे हम। फ्रेंड्स अब हम बैक और फ्रंट के आर्महोल का निशान लगाएंगे, जो हमारा ये हमारे बैक में जाएगा, मतलब बैक का निशान लगेगा, और थोड़ा आधा इंच अंदर लेके हम फ्रंट का निशान लगाएंगे। यह हमारा बैक का हो गया और यह हमारे फ्रंट का निशान हो गया। अब हम आधा इंच यहाँ से शोल्डर से डाउन करेंगे, और जो ब्रॉडनेस मैं आपको बता देती हूँ, जो नेक की ब्रॉडनेस है वो मैं 3 लूंगी, और अभी नहीं काटूंगी मैं, जब बुकरम पे सेट करूंगी, जब भी मैं नेक काटती हूँ कभी भी, तो यहाँ से ब्रॉडनेस में 3 लूंगी कुर्ते की। और अब मैं डाउन लूंगी अपना शोल्डर आधा इंच। तो फ्रेंड्स अभी आपको जितना भी मार्जिन छोड़ना है छोड़ के, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ से मार्जिन छोड़ लेती हूँ अपना, 2-2 इंच मार्जिन छोड़ूंगी मैं। इसको मिला लेंगे फ्रेंड्स जो हमने निशान लगाए हैं। फ्रेंड्स अब इसको हम काट लेंगे, और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि जो हम अपनी कैंची चलाएंगे, ये आर्महोल है, ये हमारा फ्रंट का निशान है, जो फ्रंट कुर्ती कटेगी उसका आर्महोल ये कटेगा, और जो बैक का कटेगा उसका ये कटेगा। मतलब अभी हम ये वाला नहीं काटेंगे, इस पे ही कैंची चलाएंगे जो बैक का आर्महोल है। चलिए काट लेते हैं इसको। फ्रेंड्स ये पूरा कट चुका है फ्रंट का कुर्ता, और जो यहाँ पे मैंने 3 इंच ब्रॉडनेस छोड़ी थी अपनी कुर्ती का, वहां पे भी कट दे दिया है, और अब हम जो हमारे निशान है वहां पे भी हम कट लगा देंगे, ताकि जब हम ज्वाइंट करेंगे बैक और फ्रंट को तो ये निशान आपस में मिलने चाहिए। तो चलिए अब हम अपना बैक काट लेते हैं इसी को रख के। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने बैक को भी डबल फोल्ड पे करके इस तरीके से बिछा दिया है। अब मैं इसके ऊपर अपना फ्रंट रखूंगी, इसको मिला के हम रख देंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने इस पे बिछा दिया है, अब मैं अपना मार्क लगाऊंगी। फ्रेंड्स मैंने मार्क दे दिया है, अब मैं इस वाले फ्रंट के पीस को हटा देती हूँ, और इस मार्क जो मैंने लगाया है बैक पे उसको काट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा बैक साइड भी कट चुका है, और जो हमारे कमर का और हिप का मार्क था इस पे भी हम अपना कट लगा लेंगे। फ्रेंड्स इसमें मैं प्लेट भी लगाऊंगी, जो बैक प्लेट होती है वो भी लगाऊंगी। जो मेरी प्लेट की मार्क थी वो 10.5 पे आई थी, जो डाउन ब्रेस्ट का बताया था मैंने आपको, वो 10.5 पे था शोल्डर से 10.5। तो यहाँ से 10.5 और ये फोल्ड साइड से 3.5 इंच। अब जितनी आपको लंबी रखनी है 8.5 या फिर 9, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 9 इंच ले रही हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ से भी हम 3.5 नापेंगे, और अब इसको मिला लेंगे। और जो 9 का सेंटर है हमारा, वो हमारा 4.5 पे आएगा इस तरीके से, और आधा आधा इंच लेके हम इस तरीके से इसको मिला लेंगे। तो ये प्लेट हम दोनों तरफ देंगे बैक में, दोनों तरफ बैक में देने के लिए हम इसको इस तरीके से करेंगे, और इसको इस तरीके से मिला लेंगे इस साइड। और अब हम इसको आराम से प्रेस करेंगे, तो ये दोनों तरफ निशान इसके लग जाएंगे। हल्का सा लग गया होगा, हम इसको डार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा फ्रंट और बैक की कटिंग। अब हम इसकी स्लीव्स काटेंगे। तो फ्रेंड्स इसकी जो स्लीव्स हैं वो इसी कपड़े में निकली हैं, वो मैंने अलग कर ली थी पहले ही। तो फ्रेंड्स ये स्लीव्स हैं जो कि हमने कुर्ते में से ही हमें था डिज़ाइन, तो ये इस तरीके से डिज़ाइन है। ये एक स्लीव है और ये दूसरी स्लीव है, और इसमें बीच में जॉइंट आएगा स्लीव्स में, जो यहाँ पे जॉइंट आता है वो वाला जॉइंट आएगा इसमें। अब ये आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा आड़ा कपड़ा भी है, ये देखिए
आड़ा कपड़ा है तो हमें इसको हमें ये साइड मिलाने भर ले, यहाँ से आड़ा हो जाए तो हमें ये उल्टा करके इसको मिलाना है। ये हमारा एक स्लीव हुआ, इसी तरीके से रखेंगे दूसरा स्लीव भी, इसको भी उल्टा करके रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से मैंने फोर फोल्ड में रखा हुआ है स्लीव्स को, और यहाँ से वैसे फोल्ड होता है पर यहाँ पे फोल्ड नहीं है तो हमें जॉइंट करना पड़ेगा, तो जॉइंट बाजू होंगी ये। तो सबसे पहले मैं लूँगी लेंथ, तो जो लेंथ है हमारी वो है 18 इंच, और दो एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग का, तो ये मैं पूरा 20 इंच ले रही हूँ अभी। 20 इंच ले लेंगे हम अपने स्लीव्स को और इसको सीधा मार्क करेंगे। और यहाँ से मैं ब्रेस्ट का चौथा भाग ले रही हूँ, जो कि ब्रेस्ट 40 था तो उसका चौथा भाग 10 होगा, तो यहाँ से 10 इंच अभी निशान कर देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ से 3.5 इंच इसको भी सीधा कर लेंगे। और जो हमारी बॉटम है वो है 9 इंच, तो डबल से हम लेंगे 4.5 इंच, तो अभी मैं 5 इंच ले रही हूँ कि हाँ यहाँ से भी हमारी सिलाई में जाएगा कपड़ा, तो ये मैं 5 इंच ले लेती हूँ और 1.5 इंच मार्जिन का रखूँगी, तो 6.5 इंच ले लेती हूँ मैं ये भी। इसको पहले मैं यहाँ से ये पहले हम ले लेते हैं, यहाँ से तिरछा लेंगे 10 इंच और अब इसको हम इससे मिला लेंगे। ये हुआ बैक का, और फ्रंट का मार्क भी इसी तरीके से लगाएंगे हम। ये हमारा फ्रंट का मार्क हो गया, अब इसको मिला लेंगे हम। चलिए इसको काट लेते हैं फ्रेंड्स हम। फ्रेंड्स ये देखिए, जैसा कि अगर यहाँ पे फोल्ड होता तो मैं कट लगा लेती, पर यहाँ पे कट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जॉइंट आएगा तो हमें सेंटर पता चल जाएगा। और इसका जो ये फ्रंट की बात रही वो मैं जब सेंटर जोड़ दूंगी उसके बाद ये फ्रंट काटूंगी, अभी नहीं काटूंगी इसका फ्रंट। तो फ्रेंड्स ये मेरा पूरा कुर्ता कट गया है, तो ये इसकी कटिंग की वीडियो थी। मैं सिलाई की वीडियो इसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, इसकी सिलाई की वीडियो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।